हेलो स्टूडेंट, इट इज़ क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर वन वी आर स्टार्टिंग। व्हाट इज द चैप्टर? द चैप्टर इज फूड फ्रॉम वेयर यू गेट इट। हमारा भोजन, हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। फूड इज ए सब्सटेंस विच कैन बी ईटन और ड्रिंक बाई लिविंग थिंग्स फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। भोजन वो पदार्थ है जिसे खाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम प्लांट्स से और एनिमल्स से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सो फर्स्ट हेडिंग इज सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के सोर्स। मोस्ट ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम द प्लांट्स। अक्सर जो भोजन है हमारा प्लांट्स से आता है, जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सेरेल्स, अनाज, दालें, मसाले, ऑयल सीड, ये सभी प्लांट्स से आते हैं। और कुछ फूड आइटम जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन, फिश और घी, कर्ड, ये सभी मिल्क से बनते हैं, ये सभी एनिमल प्लांट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, फूड फ्रॉम प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ये अपना भोजन सनलाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी के वाटर और क्लोरोफिल से बनाते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पौधे के विभिन्न भाग अपने भोजन में यूज़ करते हैं। किसी पौधे की जड़ यूज़ करते हैं, किसी का तना, किसी के पत्ते, किसी के बीज इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के। हर एक तरह के चीज़ों के अलग अलग भाग इस्तेमाल करते हैं। लेट अस क्लासीफाई द प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। मिलने वाले भोजन के आधार पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट, भोजन उगाने वाले पौधे, इनमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सेरेल्स भी हैं, पल्सेज वगैरह हैं, सेरेल्स, साबुत अनाज, वीट, राइस, मेज, बारले यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि। पल्सेस दालें आप जानते ही हैं, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, मटर, लोबिया आदि। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, स्पिनेच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी आदि। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज एक्स्ट्रा। और ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल ज़्यादा यूज करते ही हैं, कोकोनट, कोकोनट ऑयल। साउथ इंडिया में कोकोनट ज़्यादा होता है, वहाँ कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया जाता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का के बीजों का तेल भी यूज़ किया जाता है, ये बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, हम बहुत से स्पाइस भी यूज़ करते हैं, जैसे क्लोव्स, लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सिनेमन यानी के दालचीनी, क्यूमिन सीड, जीरा। इसी तरह और भी बहुत से होते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी, ये सभी पौधों से मिलते हैं। शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट, शुगर हमें शुगर केन से और बीट रूट से, हमारे इंडिया में तो अक्सर शुगर केन से यानी गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन विदेशों में बीट रूट से, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। बेवरेज प्रोड्यूसिंग प्लांट, पेय पदार्थ के रूप में कॉफ़ी और टी,
मोस्ट कॉमन बेवरेज प्रोडक्ट हैं जो कि हमें पौधों से मिलते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड, कौन कौन से अलग अलग भाग हैं जो पौधों के भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं. रूट्स, पौधों की जड़ें, कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, इनकी जड़ें ही खाई जाती हैं. स्टेम, तना, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये पौधे के तने ही माने जाते हैं जो सब्जी के रूप में हम यूज करते हैं, और शुगर केन का शुगर बनाने में यूज करते हैं गन्ने का. लीव्स, पत्तियां, स्पिनेज, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट, एक्स्ट्रा, ये अलग अलग तरह के पत्तियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, धनिया, पुदीना, ये तो आप घरों में इस्तेमाल करते ही हैं डेली यूज में. फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली, हरी गोभी, बनाना कम, केले के फूलों का भी इस्तेमाल कई जगह पर भोजन में होता है. फ्रूट्स, फल, फल तो आप जानते ही हैं, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, मैंगो, ये सभी फल के रूप में खाए जाते हैं. और पीज, मटर, बॉटल गॉर्ड, ब्रिंजल, कुकुम्बर, लेडी फिंगर, ये भी प्लांट्स के फ्रूट हैं जिन्हें हम वेजिटेबल्स में खाते हैं. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से मिलने वाले भोजन. जानवरों से भी बहुत तरह के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सबसे मेनली प्रोडक्ट है मिल्क. हमें काऊ, बफेलो, गोट से मेनली हम मिल्क के लिए हम यूज करते हैं. गाय, भैंस, बकरी, कुछ जैसे राजस्थान के इलाकों में ऊंट का दूध भी यूज करते हैं क्योंकि वहाँ ऊंट ज़्यादा पाया जाता है. कुछ एनिमल्स को मीट के लिए भी यूज किया जाता है उनके मांस के वजह से, जैसे हैन, पिग, गॉट, फिश, प्रॉन, क्रैब्स, ये मीट यार्डिंग एनिमल्स हैं, इनसे हमें मीट मिलता है. समुद्र से विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मुर्गी और ये गॉट, पिग, ये सभी अलग अलग डिफरेंटली यूज किए जाते हैं. एग यार्डिंग एनिमल, एग, कुछ एनिमल्स से एग भी हमें मिलता है जैसे हैन और डक के एग हम यूज करते हैं. इसमें ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो एनिमल से मिलती है, वह दैट इज हनी. हनी इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ये हनी बी से मिलता है हमें. हनी यानी शहद, हनी बी फूलों से जूस इकट्ठा करती हैं जिसे नेक्टर कहते हैं. नेक्टर को हनी बी अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं, तो उसे हनी के रूप में इकट्ठा करती हैं. इसमें वाटर, शुगर, मिनरल और एंजाइम होते हैं. इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इससे हमें पोषण भी मिलता है और ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और इसे मेडिसिंस में भी यूज किया जाता है. सो दीज आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो हमें दूध से एनिमल प्रोडक्ट जो मिलते हैं, और दूध मेन प्रोडक्ट है, दूध से मिलने वाले प्रोडक्ट को डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं. कॉटेज चीज, पनीर, जो हम दूध को फाड़कर पनीर बनाते हैं और उसे विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में और अपनी सब्जी वगैरह में यूज करते हैं. चीज़, जो प्रोसेस्ड पनीर होता है उसे चीज़ कहते हैं. क्रीम, दूध का जो फैट है उसे मशीन के द्वारा अलग करके क्रीम निकाल ली जाती है. क्रीम को जमा कर बटर बनाते हैं और बटर से, मक्खन से घी बनाया जाता है और मिल्क से कर्ड भी बनाई जाती है. ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग रूप में दूध का यूज़ किया जाता है और अलग अलग स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इज़ ईटन. जैसे तमिलनाडु में है सांभर, डोसा, इडली, वड़ा,
यूज़ करते हैं। गुजरात में ढोकला, खांडवी, थेपला, फाफड़ा यूज़ करते हैं। पंजाब में मक्के की रोटी, साग यूज़ करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में दाल, रोटी, सब्जी, चावल यूज़ करते हैं। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर आवर फूड। इसलिए हमारे भोजन के लिए हम पौधों और जानवरों पर, दोनों पर निर्भर करते हैं। फूड फॉर एनिमल्स, अलग अलग तरह के भोजन करने वाले जानवर, पशु, कुछ पशु केवल शाकाहार करते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। दैट इज कॉल्ड हर्बीवायरस। हर्बीवोर्स दोज एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो केवल पौधे या पौधे जैसे भाग खाएं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काउ, हॉर्स, डियर, स्क्विरल, जिराफ, बटरफ्लाई एक्स्ट्रा। सेकेंड इज कॉर्निवोरस, मांसाहारी। दोज एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं शाकाहारियों का, तो उन्हें कॉर्निवोरस, मांसाहारी कहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, वल्चर, आउल एक्स्ट्रा। एंड थर्ड टाइप इज ओमनिवोरस, सर्वाहारी, जो मांस भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। बियर, क्रो, भालू, कौवा, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ये सभी सर्वाहारी होते हैं। हम हेल्दी स्नैक्स कैसे बना सकते हैं? हम मूंग या चने से, हम थोड़ा सा मूंग या चना लें, उसे पानी में भिगो के रखें कुछ समय, 5-6 घंटे, उसके बाद उसमें से पानी निचोड़ लें और वह मूंग को, साबुत मूंग या चना, काला चना, उसे हम कपड़े में लपेट कर, कपड़े को गीला करके कहीं ढककर रख दें, तो हम 5-6 घंटे बाद देखते हैं उनमें छोटे छोटे धागे जैसी संरचना निकल आती है, तो ये स्प्राउट होते हैं, अंकुरण हो जाता है। अंकुरित दाल अनाज हमारे लिए ज़्यादा पोषक होता है। हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं, नमक, हल्का सा नमक नींबू डालकर, या हल्का सा उबाल कर भी खा सकते हैं। सो स्टूडेंट, ट्राई दिस एट योर होम, अपने घर पर ट्राई करिए और कीप योर सेल्फ हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखिए। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली। आपका ये बुक वर्क मैं शो कर रहा हूँ, अपना वर्क करिए और क्वेश्चन आंसर के लिए स्कूल में मिलिए। स्कूल में से आपको क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड मिल जाएंगे। ओके, एंजॉय योर स्टडीज, कीप योर सेल्फ हेल्दी, फिट एंड फाइन। ओके, थैंक यू।